हाँ जी राम राम जी क्या हालचाल चाल आपके उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा दोस्तों हरियाणा किसी भी स्टेट की कोई सरकार होती है तो उसका दायित्व तो ये होता है कि वहाँ के जितने भी वासी हैं जो युवक हैं बेरोजगार युवक हैं उनको एक अच्छा रोजगार दिया जाए उनको रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करवाए जाए लेकिन हरियाणा सरकार ने कुछ अलग ही रवैया बना रखा है अपना और अभी एचपीएससी के माध्यम से कुछ ऐसा देखने को मिला है जिससे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा सरकार चाहती नहीं है हरियाणा सरकार जानबूझकर ऐसे रूल बना रही है जिससे जो वैकेंसी है वो खाली रहे या उसमें बाहर के लोग लगे इस तरीके की चीजें सामने आ रही है एचपीएससी की भर्ती ये पीजी की आपको पता भी होगा तो पीजीटी भर्ती वाले बच्चे भी ध्यान दे इस चीज को जरूर देखें अदरवाइज लगता नहीं है कि आप नौकरी पालोगे क्योंकि रूल ही ऐसे बना रखे हैं थोड़ा सा समय लगेगा पांच सात मिनट की वीडियो बनेगी आप इसको एंड तक देखेगा ताकि आपको समझ में आएगी गलती कहां पर है कमी कहां पर है सॉल्यूशन क्या है और सरकार क्या चाहती है देखिए <coughs> सरकार ने दोस्तों एडीओ की भर्ती निकाली थी अभी <coughs> आप सभी को पता भी होगा सरकार ने अः एचपीएससी ने एडीओ की भर्ती निकाली थी एडीओ की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एचपीएससी के माध्यम से भर्ती करी गई थी एचपीएससी के माध्यम से इस भर्ती का प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर 600 वैकेंसी थी दोस्तों कितनी 600 वैकेंसी थी इन द फिर इसका क्या हुआ एग्जाम हुआ दोस्तों एडीओ भर्ती का एग्जाम हुआ एचपीएससी के माध्यम से 600 पोस्ट के लिए और इस एग्जाम के बाद क्या होना दोस्तों इंटरव्यू होना है क्या होना है इंटरव्यू लिया जाना है तो यहां पर दोस्तों एग्जाम में केवल सत्तावन बच्चे ही ऐसे मिले जो सत्तावन बच्चे ही ऐसे मिले जो इस इंटरव्यू में जाने वाले हैं जाने तो कितने चाहिए थे दोस्तों 1200 कितने जाने चाहिए थे 1200 बच्चे लेकिन कितने जा रहे हैं केवल सत्तावन बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं बाकी बच्चे इनको मिले ही नहीं क्या बोले कि बच्चे ही नहीं मिले आ, 1200 बच्चे ऐसे नहीं मिले जो हरियाणा सरकार ने एचपीएससी ने जो कंडीशन बोली उनको पूरा कर पाए या तो सरकार चाहती नहीं है या तो भाई जो एग्जाम ले रहे हैं जो ये प्रोसेस चला रहे हैं वो मूर्ख है या फिर इस भर्ती में जितने भी बच्चे बैठने वाले थे वो सभी मूर्ख है कुछ तो सोचने वाली बात है कि 600 बच्चे छसो पोस्ट के लिए केवल सत्तावन बच्चे और एक बात अठाठ हजार बच्चे आठ हजार बच्चे इस एग्जाम में अपियर हुए थे आठ हजार बच्चे आठ हजार में से केवल सत्तावन बच्चे ऐसे आए जो एचपीएससी की इस एडीओ की कंडीशन को पूरा करते थे कंडीशन में दिक्कत क्या है मैं बताता हूं दोस्तों कंडीशन में क्या दिक्कत है वो देखेगा एडीओ रिजल्ट एडियो एग्जाम पैटर्न देखिए ये आपका एग्जाम पैटर्न और सेम यही पैटर्न किसका है दोस्तों सेम यही पैटर्न आपका एचपीएससी का भी है इसका पीजीटी का भी है तो पीजीटी वाले बच्चे भी ध्यान दे अदरवाइज जैसे अब ये एग्जाम होने के बाद चिल्ला रहे हैं तो सेम वही चीज आपके साथ होगी इसलिए समय रहते आपको ध्यान देना है ये क्या है एडमिन जो एडीओ की भर्ती आपकी जो आपकी एडीओ की ये है, जो मैं पोस्ट ना, ये उसी का एग्जाम पैटर्न है तो यहां पर देखिए क्या होगा क्वेश्चन पेपर ऑफ विल बी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है 100 क्वेश्चन एमसीक्यू क्यू नंबर के रहेंगे दो घंटे का टाइम दिया जाएगा और सेम इक्वल मार्क्स के रहेंगे यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी वन बाई फोर की और जो पांचवा गोड़ा है वो भरना कंपलसरी है यदि आप चार गोड़ों में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरे तो यदि आप पांचवा गोड़ा नहीं भरते हो मतलब कोई भी गोड़ा नहीं भरते हो तो आपके पट टू फाइव मार्क्स कट हो जाएंगे ठीक है और इंटरव्यू भी आपका दो गोणा लोगों को इंटरव्यू बुलाया जाएगा साथ में एक कंडीशन मुख्य कंडीशन क्या है दोस्तों मुख्य कंडीशन क्या है यहां पर देखिए जो एग्जाम हुआ ना ये ऊपर जो ये एग्जाम हुआ ऊपर पचास प्रतिशत नंबर लेने अनिवार्य है जनरल कैंडिडेट के लिए ये नंबर लेना अनिवार्य है और जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उनको पैंतालीस प्रतिशत नंबर लेना अनिवार्य है जब आप इतने प्रतिशत नंबर लेके आओगे तो ही आप इंटरव्यू में जा पाओगे अदरवाइज आपका एग्जाम पास ही नहीं माना जाएगा क्या है अदरवाइज आपका एग्जाम पास ही नहीं माना जाएगा आप फेल ही घोषित हो जाओगे तो यही समस्या हुई इसमें इन्होंने क्या क्या कर दिया दोस्तों देखिए इसमें एक तो कर दी जो 50 प्रतिशत की और 45 प्रतिशत की कंडीशन फिर कर दी नेगेटिव मार्किंग क्या कर दी नेगेटिव मार्किंग कर दी फिर इन्होंने क्या कर दिया साथ में जो पांचवा गोड़ा है वो भी इन्होंने लॉन्च कर दिया और उसमें भी क्या कर दिया नेगेटिव मार्क्स कर दिए उसमें भी क्या कर दिया नेगेटिव मार्क्स कर दिए तो इन कंडीशनों के साथ आठ हजार में से आठ हजार बच्चों में से बारह सौ बच्चे भी अच्छे नहीं मिल पाए एचपीएससी को अब यहां पे कुछ बच्चों का कहना है कि जो पेपर का लेवल है जो पेपर लेवल है वो यूपीएससी के लेवल को भी पीछे छोड़ रहा है जो एचपीएससी ने एडीओ का पेपर बनाया था वो यूपीएससी के लेवल को भी पीछे छोड़ रहा है तभी तो बच्चों के पचास प्रतिशत पैंतालीस प्रतिशत नंबर नहीं आए जब इस लेवल का या इस लेवल का या पेपर अच्छे लेवल का नहीं था तभी क्या हुआ इतने प्रतिशत नंबर भी नहीं आए बच्चों के फिर नेगेटिव मार्किंग भी है नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चे इतने नंबर नहीं ले पाए तो यहां पर अब दोस्तों पोस्ट कितनी है 600 है इंटरव्यू में कितने बच्चे आ जा रहे हैं 57 बच्चे मान लेते हैं ये भाई 60 पोस्ट फिल भी हो जाती है 540 पोस्ट खाली रहेगी फिर 540 पोस्ट खाली रहेगी क्या करेंगे हरियाणा सरकार खाली रख के क्या करेगी हरियाणा सरकार सेम इसी तरीके से एक और भी पोस्ट थी उसमें वो थी साइंटिफिक ऑफिसर की क्या थी साइंटिफिक ऑफिसर की लैब मधुबन लैब में चाहिए था इनको तो उसमें केवल पांच बच्चे ही मिले एलिजिबल पांच बच्चे ही क्या मिले योग्य मिले बाकी सारी पोस्ट खाली बाकी सारी पोस्ट खाली अब दोस्तों जो ये कंडीशन है यहां पर देखिए एचपीएससी में क्या कर रखा जो की है देखिए पीजीटी की भर्ती में भी सेम यही सौ पचास पर्सन आएंगे सो जो पर्सन आएंगे वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के आएंगे जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें साइकोलॉजी पैडागोजी ये आपकी सारी चीजें हैं ये 50 नंबर का ये 100 नंबर का और यहां पर ढाई घंटे का टाइम दिया गया है और स... हर क्वेश्चन सेम नंबर का है सेम मार्क्स का है और यहाँ पे पांचवा ऑप्शन भी आपको पता ही है वो भरना जरूरी है यदि नहीं भरोगे करोगे, तो आपका वन वर्क की नेगेटिव मार्किंग भी है नेगेटिव मार्किंग भी है ठीक है टू पॉइंट पॉइंट टू फाइव की और पांचवा ऑप्शन नहीं भरोगे तो भी आपके पॉइंट टू फाइव मार्क्स क्या है माइनस हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग भी है सेम वही प्रोसेस क्या है इसमें भी इंटरव्यू है और इसमें भी आपको 50 परसेंट नंबर लेना और 45 परसेंट नंबर लेना जरूरी है नेगेटिव मार्किंग भी है 50 प्रतिशत नंबर लेना भी अनिवार्य है इस बात का ध्यान रखें आप हरियाणा में बहुत सारी पोस्ट देखी गई है जिसमें कट ऑफ कट ऑफ ही पैंतीस पे लगती है कट ऑफ क्या है पैंतीस मार्क्स पे लगती है तो इस सिचुएशन में तो दोस्तों यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं डेढ़ सौ में से पचास प्रतिशत देख लो आप कितने अब पचहत्तर नंबर लेना अनिवार्य है पचहत्तर मार्क्स लेना अनिवार्य है देख लीजिए अब कम से कम पचहत्तर नंबर तो आपको लेने ही पड़ेंगे तब आप आगे के प्रोसेस में जा पाओगे तो यहाँ पर वैकेंसी खाली रह रही है ये देखिए वैकेंसी खाली रह रही है अरे मिनिमम कंडीशन कर दो आप तेतीस प्रतिशत की पासिंग मार्क्स तेतीस प्रतिशत कर दीजिए लेकिन आप तो यहाँ पे 50 प्रतिशत की कंडीशन लगा रहे हैं 45 या फिर पेपर का लेवल थोड़ा डंका बनाइए क्या है या फिर पेपर का लेवल वो थोड़ा डंका रहे ऐसे तो आप हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी ही रखने की चाह रख रहे हैं जिस हिसाब से चीजें चल रही है ना इस हिसाब से तो अच्छी अच्छी पोस्ट खाली रहेंगी फिर काम कैसे चलेगा जनता का फिर जनता परेशान होगी डिपार्टमेंट में स्मूथली वर्किंग नहीं होगी तो यहां पर मेरे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य केवल इतना ही है कि हरियाणा सरकार इसके ऊपर विचार करे जब 8000 बच्चों में से केवल सत्तावन बच्चे आपको एलिजिबल मिल रहे हैं तो क्यों ना आप जो आपने इतने टर्म्स एंड कंडीशन रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनमें थोड़ी सी ढील दें जहां पे आपने 50 प्रतिशत की कंडीशन बताई है वो आप कहीं पे अच्छे लेवल पे कर लीजिए पेपर का लेवल अच्छे ढंग का बनवा लीजिए और सेम ये पीजीटी भर्ती में होने वाला फिर तो आप इन्हें ये पीजीटी की भर्ती खाली रखोगे आपने जो ये साढ़े चार हजार होगा फिर देश विकास कैसे करेगा फिर शिक्षा का सत्र कैसे बढ़ेगा इस तरीके से यदि पोस्ट ही खाली रहेगी तो आप अच्छे लोगों को भर्ती कीजिए अच्छी बात है अच्छा पैमाना होना चाहिए लेकिन ऐसा मत कीजिए कि अः आठ हजार में से केवल सत्तावन लोग ही इंटरव्यू में आप बुला रहे हो ठीक है तो यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा पीजी पीजीटी की भर्ती बात चल ही रही है तो थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है डेढ़ सौ नंबर का क्या है दोस्तों प्रोसेस डेढ़ सौ नंबर का क्या है एग्जाम आपका डेढ़ सौ नंबर का इसमें से सो जो क्वेश्चन आएंगे या सो मार्क्स आएंगे वो तो आएंगे रिलेटेड सब्जेक्ट के ठीक है क्या है रिलेटेड सब्जेक्ट के बाकी पचास जो क्वेश्चन आएंगे वो जो कॉमन है वो आएंगे दोस्तों क्या है वो कॉमन आएंगे तो यहां पर दोस्तों यदि आप पचास प्रतिशत की बात करो यदि पचास प्रतिशत की बात करो तो आपको यहां पे कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे पचहत्तर मार्क्स लेके आने पड़ेंगे मिनिमम ठीक है तो यहां पर दोस्तों जो पचास ये क्वेश्चन है इन में से चालीस प्रतिशत हम आपको करवाने के लिए प्रयासरत हैं मेरी टीम इसके अंदर लगी हुई है ठीक है कुछ नंबर आप इसमें से भी ले लीजिएगा तो यहां पर दोस्तों जो मिनिमम पचहत्तर मार्क्स की कंडीशन है उसको पूरा करवाने के लिए हम आपका सहयोग करेंगे इसके लिए क्या होता दोस्तों एक तो सुबह सात बजे एक तो सुबह सात बजे आपकी क्लास होती है डेली यूट्यूब के ऊपर फ्री में एक हर रोज सवा छह बजे शाम को होती है यूट्यूब पे डेली बिल्कुल फ्री में आप इन क्लासेज को जरूर अटेंड कीजिए साथ में दोस्तों देखिए साथ में आपको क्या करना है सिर्फ इन दो क्लासेज से तो नहीं काम नहीं बनेगी बात नहीं बनेगी इन दो क्लासेज से तो क्या है बात नहीं बनेगी इन दो क्लासिस से क्या है बात नहीं बनेगी यहां पर दोस्तों एचपीएससी का बैच निकाल रखा कॉमन तैयारी के लिए क्या है कॉमन तैयारी के लिए एचपीएससी का बैच है वो चला हुआ आपका कॉमन बैच जो पचास नंबर का जो सिस्टम आएगा आपका पचास नंबर का जो सिस्टम आएगा उसके लिए कॉमन बैच है पीजीटी के लिए ठीक है इसके अंदर आपकी साइकोलॉजी मैथ्स पेडागोजी है ठीक है और आपका जो एजुकेशन साइकोलॉजी है रीजनिंग के जो कुछ टॉपिक है बैंकिंग वाले स्पेशल तो वो ईवीएस है ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर हरियाणा जीके भी आपको पता आएगी तो हरियाणा जीके भी दो दो टीचर हैं रीजनिंग के भी दो दो टीचर हैं है। ठीक है तो केवल बारह सौ निन्यानवे बारह सौ निन्यानवे रुपए में यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अठासी एक सौ तीस चौबीस चार सौ चौसठ अठासी एक सौ तीस चौबीस चार सौ या फिर सत्तर छप्पन जीरो तिरतालीस चार सौ इक्यानवे या फिर आप सत्तर पंद्रह चौबीस चौंतीस इक्यानवे इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम आपकी सहायता कर सकते हैं मेरी टीम आपकी सहायता कर सकती है एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के एग्जाम में बाकी आप समझ गए होंगे कि आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा जब आठ हजार बच्चों में से सत्तावन बच्चे ही इनको मिल रहे हैं जो पचास प्रतिशत तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप इस बात का ध्यान रखिएगा आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद और हरियाणा सरकार से मेरी अपील है कि इन चीजों के ऊपर विचार करें अन्यथा भर्तियां खाली रहेगी और आप ये बोलोगे कि युवा नहीं मिल रहे और कोई रोजगार के लिए ना आ रहा जब आप इनका विश्वास ही उठा दोगे भर्तियों से तो कौन आएगा फिर धन्यवाद दोस्तों भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे